अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, क्योंकि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, ये आपको रियल लाइफ में नजर आए। इसके साथ ही 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण के तरफ 5-10 किंग कोबरा फेंकते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अरे आप लोगों को और कोई काम नहीं है क्या? आप लोग सबको सिर्फ PILGB ही कह के क्यों बुलाते हैं? क्यों आप लोग सब लोगों को सिर्फ PILGB कहकर बुलाते हैं और लोगों को ट्रोल करते हैं? इतने सभ्य और बुजुर्ग व्यक्ति को आप लोग ऐसे रोस्ट करते हो जैसे कि वो कोई आदमी नहीं, मुर्गा है जिसके बाल को आपने छील दिया है और फिर उसके बॉडी से जो सिमेट्री लाइन गुजरता है उसमें सरिया घुसा दिया है और उसको गोल गोल नचा कर आग के ऊपर रख के आप लोग रोस्ट कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए आपको। मानसिक संतुलन नाम की भी कोई चीज़ होती है। अगर कोई व्यक्ति ढलते हुए उम्र के साथ बार बार अपने रीड ओनली मेमोरी को फॉर्मेट कर रहा है तो आपको उसे प्रोसेसिंग पावर देने की ज़रूरत है, ना कि आप उसे रोस्ट करो। PILGB नाम तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन अब आधे से ज़्यादा लोग उनको IPLGB बोलने लगे हैं। IPLGB? सीरियसली? ये मोए मोए वाला रील 2023 में बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था और 2024 शुरू होते ही साल का सबसे पहला मोए मोए भी हो चुका है और वो भी बहुत बड़े लेवल पे। ये मोए मोए इतने बड़े लेवल पे हुआ है कि पूरे भारत ने इसको देखा। अब जैसा कि मैंने आपको महुआ मोइत्रा जी के बारे में बताया था कि कैसे उनको एक डॉग के कारण, एक कुत्ते के कारण अपने MP की सीट से और अपने प्यार भरे कोकिला आवाज से भी ऑलमोस्ट हाथ धोना पड़ा। उनके तथाकथित क्लोज फ्रेंड जय ने उनको बहुत गहरे जख्म दिए और ये जो गहरे जख्म थे वो अभी भरे भी नहीं थे कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको एक और गहरा जख्म दे दिया और महुआ मोइत्रा जी के साथ साथ उनके दोस्तों के भी छाती पे सांप लौटने लगा है। महुआ मोइत्रा जी और प्रशांत भूषण जी, आप लोग बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बहुत योग्य व्यक्ति हैं। आपके छाती के ऊपर जब हम लोग सांप लौटते हुए देखते हैं तो हमें बहुत तकलीफ होती है जब आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को आपकी योग्यता से नहीं पहचाना जाता है। आपकी जो योग्यता है ना, वो हम लोग पहचानते हैं और आपके इस योग्यता को हम लोग गांव-गांव, शहर-शहर, मोहल्ले-मोहल्ले तक पहुंचाएंगे। तो इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपको समझाना चाहूंगा कि आखिर इनके छाती के ऊपर सांप लोट क्यों रहा है। ये जो पूरा मामला है इसको एकदम शॉर्ट में आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, पिछले साल हिंडनबर्ग ने अडानी के ऊपर एक रिपोर्ट पब्लिश किया था और रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद ही अडानी के शेयर्स ऐसे गिरे जैसे आप बाथरूम में साबुन के ऊपर पैर रखने के बाद गिरते हो। और शेयर्स गिरने के कारण जो इन्वेस्टर्स हैं उनको बहुत ज्यादा भारी नुकसान हुआ। लेकिन हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट को पब्लिश करने से पहले ही उनके जो भी कनेक्शन थे उन लोगों को पहले ही बता दिया था कि हम रिपोर्ट पब्लिश करने वाले हैं और उसके बाद जो अडानी के शेयर्स हैं वो गिरेंगे। तो उन लोगों ने अपने शेयर्स पहले ही बेच दिए और जैसे रिपोर्ट पब्लिश हुआ और अडानी के शेयर्स गिरे तो उन लोगों ने वापस से तुरंत शेयर्स को खरीद लिया और मोटा पैसा बनाया। वो तो बाद में जब छानबीन हुई तब ये बात सामने आया कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने जानबूझकर फॉल्स रिपोर्ट जनरेट किया ताकि कुछ लोगों को फायदा हो और बाकी लोग जिन्होंने अडानी के शेयर्स खरीद रखे हैं उनको लॉस हो। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में अडानी को क्लीन चिट दिया था, पर आज तक महुआ मोइत्रा जी और प्रशांत भूषण जी अडानी को हर रोज याद करते हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे प्रेमिका एक जोड़ा दूसरे जोड़े को याद करता है। अब इसकी आगे की जो स्टोरी है ना, उसको आप इस शॉर्ट वीडियो से समझो। प्रशांत भूषण जो कि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है, उन्होंने अडानी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक PIL फाइल की कि अडानी ग्रुप फ्रॉड कर रहा है और इसके लिए प्रशांत भूषण ने OCCRP के रिपोर्ट का सहारा लिया। अब इसके बाद सेबी जो कि ऐसे मामलों की छानबीन करती है, उसने OCCRP से रिपोर्ट के डिटेल्स मांगे। अब OCCRP ने ये डिटेल्स सेबी को देने से मना कर दिया और ये कहा कि ये डिटेल्स उनको इंडिया के एक NGO से मिला है। अब ये जो NGO है ये खुद प्रशांत भूषण का, इसलिए इस रिपोर्ट को सेबी ने खारिज कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जब प्रशांत भूषण से इन आरोपों के लिए प्रूफ मांगे तो प्रशांत भूषण ने हाथ खड़े कर दिए और इसी कारण से सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को फटकार भी लगाया। मतलब प्रशांत भूषण अपने एक NGO के जरिए अडानी के ऊपर एक रिपोर्ट पब्लिश करवाते हैं, फिर उसी रिपोर्ट को फॉरेन मीडिया छापते हैं और उसी फॉरेन मीडिया के छापे हुए रिपोर्ट को बेस मानकर प्रशांत भूषण कोर्ट पहुंच जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट से इसके ऊपर जांच की मांग करते हैं। तो आपने मेरा महुआ मोइत्रा जी का कैश फॉर गिफ्ट्स वाला जो मामले के ऊपर वीडियो था वो तो जरूर ही देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, क्योंकि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, ये आपको रियल लाइफ में नजर आए। तो महुआ मोइत्रा जी अडानी को अक्सर याद करके पार्लियामेंट में अपने सुंदर कोकिला भरी आवाज को निकालने की कोशिश करती है और लोग उनकी आवाज को गौर से सुनते भी है। वहीं पे साथ में प्रशांत भूषण जी सुप्रीम कोर्ट के अंदर अडानी के प्यार में रोते रहते हैं। अच्छा, तो प्रशांत भूषण जी का कहना था कि सेबी जो कि ऐसे मामलों की जांच करती है वो अडानी के इस पूरे मामले की जांच सही से नहीं कर रही है, इसलिए SIT का गठन करना चाहिए, एक अलग कमेटी बनानी चाहिए जो कि इस पूरे मामले की जांच करेगा। लेकिन इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें किसी भी SIT टीम की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सेबी सही से काम कर रहा है। इसके साथ ही 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण के तरफ 5-10 किंग कोबरा
फेंकते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मिस्टर भूषण हमें नहीं लगता है कि आपको फाइनेंशियल रेगुलेटर को ये कहना चाहिए कि आप फॉरेन मीडिया में छपे हुए आर्टिकल को सीरियस लें। क्या आप सभी एक जर्नलिस्ट की बात मानेगा और उसके हिसाब से इन्वेस्टिगेशन करेगा? इतना सुनने के बाद ही हमारे मिस्टर प्रशांत भूषण जी, जिनको कि लोग पता नहीं क्यों PILGB के नाम से बुलाते हैं, उनको तुरंत हॉस्पिटल जाना पड़ा और हॉस्पिटल जाके उनको एंटीवेनम इंजेक्शन लेना पड़ा। एंटीवेनम इंजेक्शन लेने तक तो फिर भी ठीक था, उस दर्द को उन्होंने फिर भी सह लिया, लेकिन असली दर्द उनको तब हुआ जब उनको ये पता चला कि जिस हॉस्पिटल में उनको एंटीवेनम इंजेक्शन लगा है वो भी अडानी का है। देखिए, मेरे दिल में प्रशांत भूषण जी के लिए अपार इज्जत है और मैं नहीं चाहता कि कोई भी उनको PILGB कहकर बुलाए। जो लोग भी उनको PILGB के नाम से बुलाते हैं उनको शर्म आनी चाहिए, उनको अपने गिरमान में झांकना चाहिए कि वो कौन है। अगर कोई व्यक्ति PIL फाइल कर रहा है तो उसका सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उसको PILGB बोलकर उसे ट्रोल करना चाहिए। अरे, आप लोगों को और कोई काम नहीं है क्या? आप लोग सबको सिर्फ PILGB ही कह के क्यों बुलाते हैं? क्यों आप लोग सब लोगों को सिर्फ PILGB कहकर बुलाते हैं और लोगों को ट्रोल करते हैं? मुझे इस चीज़ से बहुत तकलीफ होती है। अरे, आप लोगों को और कोई काम नहीं है क्या? इतने सभ्य और बुजुर्ग व्यक्ति को आप लोग ऐसे रोस्ट करते हो जैसे कि वो कोई आदमी नहीं, मुर्गा है जिसके बाल को आपने छील दिया है और फिर उसके बॉडी से जो सिमेट्री लाइन गुजरता है उसमें सरिया घुसा दिया है और उसको गोल गोल नचाकर आग के ऊपर रख के आप लोग रोस्ट कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए आपको। मानसिक संतुलन नाम की भी कोई चीज़ होती है। अगर कोई व्यक्ति ढलते हुए उम्र के साथ बार बार अपने रीड ओनली मेमोरी को फॉर्मेट कर रहा है तो आपको उसे प्रोसेसिंग पावर देने की ज़रूरत है, ना कि आप उसे रोस्ट करो। PILGB नाम तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन अब आधे से ज़्यादा लोग उनको IPLGB बोलने लगे हैं। IPLGB? सीरियसली? IPLGB ये नाम कहाँ से ईजाद किया है? पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये नाम ईजाद किया है क्या? तो महुआ जी का एक बड़ा ही प्यारा सा वीडियो है, बड़ा सुंदर सा वीडियो है, बहुत वायरल हुआ था। मैं चाहता हूँ कि आप वो वीडियो ज़रूर देखें। अब एडिटर, चल वो वाला वीडियो प्ले कर। साला, यही वीडियो प्ले करने के लिए तुमको बोले थे बे। नहीं मम्मा पी क्या है बे? नहीं साला भाई ऐसे। तो माफ कीजिएगा, वो क्या है ना कि गलती से सही वाला वीडियो प्ले हो गया था। सही से गलती वाला वीडियो प्ले हो गया था। गलती से गलती वाला वीडियो प्ले हो गया था। इफ नॉट मोदी जी देन हु? दिस इनएक्शन ऑन मणिपुर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर वेयर यू हैड एब्सोल्यूट पावर टू इंटरवीन बट डिड नॉट is a cornerstone after which India will say anyone but Modi. There is a powerful and continuing nationalism that is searing into our national fabric. It is superficial, it is xenophobic and it is narrow. It is a lust to divide. It is not a desire to unite. It is xenophobic, sir. Honourable Member, there is no room for professional hecklers inside the corridors of this great hall. There is no room. People who have lived in this country for 50 years are having to show a piece of paper that will prove that they are Indian. In a country where ministers cannot produce degrees to show that they graduated from college, you expect dispossessed poor people to show papers to show that they belong to this country. There is no one slogan that can show any Indian that they are a patriot. There is a resounding disdain for human rights that is permeating every level of government. Every word I utter is going to be an oblation, an offering of truth into my Mahayagna of nation building. I want to talk about the most famous person in India today. Unfortunately for this house, it is not the Honorable Prime Minister. It is a man whose name starts with an A and ends with an I. And no, it is not Advani. For the purposes of this speech, let me just call him Mr. A and his group, the A Company. I want to start off by saying, as an ex-investment banker, I want companies to thrive. But I want honest, hard-working Indian companies to thrive and not trapeze artists, as an MP colleague of mine likes to say. The chair always asks me not to get angry. I will not be angry for what I have to say. I will only say that we've only been fooled. I have brought this topi with me because this man has topi been out this wonderful nation. I will start with wearing this topi. I have some extra for others who feel the same. Please don't do that. I want to summarize this story by simply saying, a company who in infrastructure, where you have to win most things by tender or have to get a regulated return. And sometimes we cannot even say Modi ji. It is on this precarious floor of eggshells that we, the members of the opposition, are forced to walk on every day.
बाकी आप लोग महुआ मोइत्रा जी को भी रोस्ट करना बंद कीजिए, उनको ट्रोल करना बंद कीजिए। ऐसे एमपीओ की हमें सख्त जरूरत है जो कि यंगस्टर से कनेक्ट होने के लिए अपने ऊपर चीजों को झेल कर दिखाती है। महुआ मोइत्रा जी सिर्फ ये बताना चाह रही थी कि ये जो प्यार मोहब्बत की बात है ये सब एकदम बेबुनियाद है, ये रिलेशनशिप वगैरह सब कुछ फेक है, तुम कितने भी बड़े आदमी / औरत बन जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ये प्यार तुम्हें एक दिन डुबा देगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे TMC, मैं TMC का यहाँ पे फुल फॉर्म नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ TMC बोल रहा हूँ, ठीक उसी प्रकार से जैसे TMC के पड़ोसी कांग्रेस वालों को उनकी मोहब्बत की दुकान डुबाती जा रही है। बाकी आप लोगों से अनुरोध है कि कमेंट सेक्शन में आई लव यू अडानी लिखना फ्रॉम IPLGB मत भूलना। तो आशा करते हैं कि आपको आज का हमारा ये स्पेशल वीडियो पसंद आया होगा।